जुगलबंदी हो तो लोगों को बहुत मजा आए, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर वन नूरा सिस्टर्स, ऑप्शन नंबर टू रिचा शर्मा, ऑप्शन नंबर थ्री सनम मारवी एंड ऑप्शन नंबर फोर शकीरा। इनमें जो सूफियाना थोड़ा सा रंग पाया जाएगा वो तो इसी में, इनमें नूरा सिस्टर में पाया जाता है। आपने जो चूज किया वो नूरा सिस्टर, नूरा सिस्टर के साथ। ये बताइए शकीरा के साथ अगर आपकी जुगलबंदी हो तो किस लैंग्वेज में हो जाती है? हो जाती है, जुगलबंदी को कोई रुकावट तो है नहीं। चलो जी नेक्स्ट, इनमें से किस मौसीकार के साथ आपको लगता है कि आपका फ्यूजन जो है वो बहुत जबरदस्त हो सकता है? ओके, पीटर गैबल, ए आर रहमान, शंकर महादेवन या योयो हनी सिंह? हमारा क्योंकि हमने पीटर गैब्रियल के इदारे के साथ पूरा यूरोप में काम किया है और खान साहब के बाद हमें यह एजाज हासिल है कि हमने पूरा यूरोप ये काम किया वॉमेड के साथ। ओके ओके, तो पीटर उनका इदारा पीटर गैब्रियल। योर चॉइस इज पीटर। अच्छा जी, किससे डर लगता है, बेवफाई से, अताई से, महंगाई से या फिर हमारी भरजाई से? आई डोंट हैव इवन सिंगल भरजाई। अच्छा, मैं भरजाइयां बाय बाय हो चुकी हैं, तो अच्छा। मैं कोई डरने वाला कोई चांस ही नहीं। कितनी भरजाइयां थी हमारी? दो थी। दो थी तो दोनों को बाय बाय कर दिया एंड दे वर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, दे वर फ्रॉम ऐसा मतलब है हुन खाली आती फिर। हां मतलब कि भी एक कहते हैं मजाक भी हो अगर सच बोला जाए तो कोई बुरी नहीं। उन्होंने भी ऐसे ही पूछे है यानी क्योंकि ओदे वाल भी भाभियां वाले ले ना ते लेकिन डर डर जो है जी वो किसी महंगाई शंगाई से क्योंकि अल्लाह ताला देता रहे तो कोई महंगाई महंगाई अताइयों से डर लगता है। अताई अताई से तो डर लगना ही चाहिए। ओके, वो मुझे नहीं तो आज आपको बहुत डर लग रहा होगा। किसी को भी लगना चाहिए। अताई को ना लगता है। तो मैं यही तो कह रहा हूं। ऐसे भी वही कह रहे हैं। ए गल गलत कर रहा हूं। कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आपने इनको कोई राग का नाम देना है। ठीक हो गया, ठीक है जी। फर्स्ट पर्सनालिटी राहत फतेह अली खान, राग वो मिशर मेल है। मिशर मिशर मेल मिशर मेल है। चलो जी नसीबोलाल सादी पैरमी। नेक्स्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको तलंग एक राग होता है। तलंग उसमें क्या? जो पैर का राग होता है उसमें क्या होता है? और मतलब उसमें पता ये चला कि अगर वो सर्दियों में थोड़ा गाया जाए और उसमें यानी गर्म इतना कर देते। चलें जी नेक्स्ट, आसिफ अली जरदारी को कोई राग डेडिकेट करें, कोई राग। ओ जेड़ा तुसी पहले कहा सी अताई ने ते वो उन्होंने कोई राग नहीं देना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब आप एक अताई हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के टॉप जो कवाल हैं। देखें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अताई बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अच्छा म्यूजिक सुनने वाले हैं। ये बात चलो आगे चलते हैं। इमरान खान पुरसकून राग उन्हें देना चाहिए था। अच्छा, असी स्प्रिंग से जा रहे हैं, बसंत बहार, बसंत बहार। चलें जी अब चलते हैं लाला जी की तरफ। चलो जी यार फिर आ जाए काम मुकाइए भाई जी। चलो इनमें से किस फिल्म की आपको शिद्दत से इंतजार है कि इस किस्म की फिल्म आपको मिलनी चाहिए? एक्शन फिल्म, रोमांटिक फिल्म, हॉरर फिल्म या फिर शादी की फिल्म? इस शादी की फिल्म उनकी दो बनी हुई है, पूछे उनसे। हाँ शादी फिल्म यानी कि शादी तो हमें पता ही नहीं लगा शादी की फिल्म बनवावांगे ना फिर समझ आ जाए। एक्शन भी की है एक हॉरर मूवी नहीं की अभी तक। ओके बस ठीक है करा देने उस्ताद होना को टाइम ही लेना। इनमें से किस साथी अदाकारा के साथ आपको लगता है कि आपकी कभी बनी नहीं और आपको इस बात का बहुत अफसोस है? चार ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, चार ही है वैसे बेसिकली तो। सना, रेशम, रीमा या फिर मीरा? नहीं मीरा तो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, थैंक गॉड हम लोग साथ हैं। कभी लड़ाई नहीं हुई आपकी? नहीं नहीं हुई, हमारी बहुत लंबी ब्रेक आ गई थी अभी, चार पाँच साल हम लोग एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं थे। अच्छा, सना भी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। मैं रेशम के साथ लड़ाई हो गई थी, मुझे आज भी रिग्रेट है, मुझे अफसोस है कि रेशम के साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। वाह। और
और वैसे भी हर लड़ाई के बाद इंसान को अफसोस ही होना चाहिए कि लड़ाई होनी नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैं ऑन ईयर रमज़ान है, ये मेरी दिल की बात है, मुझे अक्सर ये अफसोस होता है कि नहीं लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या बात, रेशम जी नाल सी तुहाडी लड़ाई? रेशम बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मैं उनकी फैन भी हूँ उनके काम की। क्या बात, और लड़ाई हो गई बस उसका मुझे अफसोस है, जब भी कभी कहीं मिली तो मैं फिर से सॉरी कर। लड़ाई जो क्या बात, बातों बातों तक थी या कि बस लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई थी? नहीं दसीदा होना चाहिए, बहने बनी हुई थी। और रेशम, आई एम रियली वेरी सॉरी रेशम, दिल से दिल से। रेशम जी मैं भी तुहानू कह रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है, लैला जी हुण इत्थे कह रहे ने, ऑन एयर कह रहे ने कि जिहड़ी तुहाडी विग पुट्टी सी उहदे वास्ते बिल्कुल सॉरी। वेरी बैड, अच्छा वेरी बैड। ते प्लीज एक दूसरे नाल प्यार नाल रहना, जिस दिन आओगे तुहाडियां जफियां पवा देंगे असीं भी, नाल सुलह करा देंगे तुहाडी जिस दिन तुसीं। अच्छा मौका मिले तो किस एक्टर के साथ बतौर हीरोइन आप काम करना पसंद फरमाएंगी? ऑप्शन नंबर 1 टॉम क्रूज, ऑप्शन नंबर 2 ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर 3 फवाद खान, एंड ऑप्शन नंबर 4 नाना पाटेकर। टॉम क्रूज, टॉम, हाँ हाँ, कोई उन्होंने